कैरेक्टर्स के लिए लुक लुक टेस्ट ज़रूर देने पड़ते हैं, वो भी देखना होता है उनको कि ये लुक में कैसे कैसे उसको डिफाइन किया जाए ताकि ऑन स्पॉट शूट पर प्रॉब्लम ना हो। प्रोडक्शन चाहता है कि उनके एक्टर बहुत सटल हों, बहुत अच्छे हों, शांत रहें। दैट्स इट। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम जैसा कहोगे, जो कहोगे वो मैं करूँगी, बस तुम मुझे कभी छोड़ना मत। तो ये सोचता था सब आज तक हमने जिससे भी प्यार किया वो सब हमको छोड़कर चले गए। जॉइंट फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। खुशबू, आप क्राइम पेट्रोल कब से कर रहे हो? मुझे 3 साल हो गए हैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया करते। तो कोई खास वजह, मतलब लोग शुरुआत में इसको एक सीढ़ी की तरह यूज़ करते हैं ज़्यादातर एक्टर, कि बड़े एपिसोडिक काम मिल जाते हैं, रोल्स मिल जाते हैं, तो करने के बाद वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिश हो जाए, कोई एक डेली सोप मिल जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन आप इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, डेली सोप मैं पसंद करती हूँ, लेकिन उस हद तक नहीं करती, क्योंकि एपिसोडिक में क्या होता है, हमें हर तीसरे दिन, मैं मंथ में 4 स्टोरीज तो ऑलमोस्ट करती हूँ, तो हर स्टोरी में हमें कुछ ना कुछ नए करने को मिलता है। मैंने 80 एपिसोड्स किए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो 80 किरदार मैंने कितने अच्छे किए होंगे। Right. और मैं खुश हूँ कि मुझे अलग अलग कैरेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिलती है करने के लिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एपिसोडिक। यही रहे, कितने सालों का आपको करते हुए? 3 साल। 3 साल में आपने 80 कहानी की, मतलब 80 किरदार किए, तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है अगर कोई भी एक्टर डेली सोप करे कि 80 करेक्टर प्ले कर ले। Yes. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी, और मैंने नेगेटिव भी किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं, इमोशनल काफ़ी सारे किए हैं, हर तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। ओके, तो जब आज क्राइम पेट्रोल इतना पॉपुलर सीरियल है और क्राइम पेट्रोल के रूप में जो आपको लोग देखते हैं, पब्लिक देखती है या आपके आसपास के लोग देखते हैं, तो क्या रिएक्ट करते हैं? अच्छी फैन फॉलोइंग है, बहुत खुश होते हैं वो लोग, हमेशा पूछते हैं कि मैम ये रियल में होता है, तो मैं बोलती हूँ हाँ, रियल में कहीं ना कहीं होता है। Right. उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके हमें दिखाना होता है, पब्लिक को सतर्क करना होता है, बताना होता है कि आप सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कैसे गंदे लोगों से उनको सामना करना होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं हम एक स्टोरी के जरिए, ताकि वो पब्लिकली पहुंचे और अच्छा मैसेज मिल सके। ओके, पहली बार जो आपको चांस मिला था, फर्स्ट चांस, वो कौन सा था? क्राइम पेट्रोल ही था या कुछ और था? क्राइम पेट्रोल ही था। हाँ, क्राइम पेट्रोल ही था, मैंने क्राइम पेट्रोल ही किया था। तो ऑडिशन दिया था आपने? जी जी, मैंने ऑडिशन दिया था। हाँ। और पहला प्रोडक्शन था पर्पल कैनवास। Okay. उसमें एक अपने डायरेक्टर थे अक्षय, उन्होंने ही मेरा ऑडिशन लिया था और मैं सेलेक्ट हो गई थी। समर्थ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल प्यार और शादी के लिए मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरी फैमिली। फर्स्ट ऑडिशन से ही मैं सेलेक्ट हो गई थी और डायरेक्टर थे गौरव प्रेम श्रीवास्तव। ओके, ठीक है। तो जब आपने पहले बार ऑडिशन दिया, आप सेलेक्ट हो गए, उस प्रोडक्शन हाउस ने आपका काम दिया, फिर आपने लगातार रिपीट जब हुए तो भी ऑडिशन दिए, लुक टेस्ट दिए, या क्योंकि आपने का काम देख लिया था तो आपको मिलता चला? जी जी, मुझे काम मिलता रहा, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टोरी था एतबार करके, वो बहुत आज तक के सबसे ज्यादा व्यूअर्स है उस स्टोरी के, एतबार, वो बहुत हिट हुई थी स्टोरी, तो उसके बाद मुझे नहीं देने पड़े थे इतने ऑडिशंस, नहीं देने पड़े। हाँ, कैरेक्टर्स के लिए लुक टेस्ट ज़रूर देने पड़ते हैं, वो भी देखना होता है उनको कि ये लुक में कैसे कैसे उसको डिफाइन किया जाए। Okay. ताकि ऑन स्पॉट शूट पर प्रॉब्लम ना हो। Right. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नया एक्टर या एक्ट्रेस आती है, अगर वो अच्छे से काम करते हैं, अच्छा बिहेवियर रखते हैं प्रोडक्शन के साथ, तो रिपीट वैल्यू भी है एक एक्टर की? ऑफ कोर्स, उनका बिहेवियर ही मस्ट होता है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन चाहता है कि उनके एक्टर बहुत सटल हों, बहुत अच्छे हों, शांत रहें। दैट्स इट। फ्लोर पे कुछ नहीं, अच्छे फ्लोर पर मतलब वो शांति रहें, कि मतलब पेशेंस से काम करें। पेशेंस से काम करें। राइट राइट। अब आपने जब इतने सारे एपिसोड्स किए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया होगा। जी जी, और हर डायरेक्टर का स्टाइल अलग होता है। बिल्कुल, उसका क्राफ्ट ही अलग होता है। तो कैसे डील करते हो? नहीं, वैसे तो मैं हर डायरेक्टर के साथ कंफर्टेबली शूट करती हूँ। कोई मुझे ऐसा कोई अभी तक 3 सालों में डायरेक्टर नहीं मिला है कि जो मुझ पे चिल्लाया हो या फिर मैं उनसे गुस्सा हुई हूँ, कभी टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मोस्टली डायरेक्टर्स मेरा काम भी पसंद करते हैं, मुझे भी बाय नेचर भी बहुत पसंद करते हैं, कि खुशबू बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे से बोलती है, अपना काम पर बहुत ध्यान देती है। तो इसी वजह से आप इतने साल से लगातार? जी जी जी,
मुझे अभी इतना मेरा हो गया है रिकमेंड कि मुझे डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स ईपीज और डायरेक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं. कास्टिंग वाले बहुत रेयर होते हैं कि जो करते हैं तो वो डायरेक्ट ही कॉल्स आ जाते हैं. तो खुशबू ने ना इतना बड़ा जो ट्रेड सीक्रेट है ना वो आप लोगों के लिए रिवील किया है कि जहाँ पर भी एक बार काम मिले उसको अच्छे से करो तो आप रिपीट भी हो सकते हो. तो इस बात के लिए इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा ताकि हम लोग को भी पता चले कि आपको ये बात कैसी लगी. एक और बात, क्योंकि आपका फैमिली का सपोर्ट आपने बताया कि बहुत रहा काम के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खासतौर से जो फीमेल एक्ट्रेस आती हैं उनकी फैमिली वालों को भी थोड़ा डर रहता है, उनके मन में भी थोड़ा सा डर होता है. अब आपने इतने साल काम कर लिया है, आपने इंडस्ट्री को बहुत करीब से अंदर से देखा हुआ है, आप कैसे उनको मैसेज देना चाहोगे, इंस्पायर करना चाहोगे कि यहाँ कितना सेफ है? देखिए सेफ्टी के हिसाब से बताऊंगी कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ठीक हो तो सामने वाला ठीक है. किसी की हिम्मत नहीं है कि आपसे आकर वो ज़बरदस्ती करे. इसी फील्ड की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास रखिए, आपका काम ज़रूर होगा. तो ये थी हमारे साथ खुशबू, जिन्होंने बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें आपसे कही कि देखिए आपको डेस्परेट नहीं होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास रखना चाहिए तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता. आपको काम बहुत अच्छे से करना, अपना बिहेवियर बहुत अच्छे से रखना तो ही आपको काम रिपीटेडली मिलता रहेगा. और सीरियल भी करिए तो उससे भी आपको फिल्में मिल सकती हैं.